क्वेश्चन है कि फर्स्ट जनवरी 2006 को यदि संडे था मतलब पहला दिन संडे था तो फर्स्ट जनवरी यानी पहला दिन 2010 का कौन सा दिन होगा तो इसके लिए हम 2006 से लेके 2009 तक के ऑड डे निकालेंगे ऑड डे वो होते हैं जो वीक बनाने के अलावा जो एक्स्ट्रा डे बचते हैं उसको डे कहते हैं तो कोई भी नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है और लीप में दो तो 2006 नॉर्मल ईयर है लीप नहीं है तो एक और डे होगा 2007 को भी एक 2008 लीप ईयर है तो उसमें दो और डे होगा और 2009 में एक तो टोटल फाइव ऑड डेज आ गए अब हम संडे फर्स्ट डे लिया है तो संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे लिख दिए संडे फर्स्ट डे है तो उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से लिख दिया अब फिफ्थ फाइव डेज़ हैं मतलब कि थर्सडे आएगा तो थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड नाइन को थर्सडे हुआ मतलब लास्ट डे थर्सडे है तो फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड टेन को फ्राइडे होगा चलिए अब इसी सम को एक और तरीके से करते हैं तो पहले टू थाउजेंड सिक्स से ले कर टू थाउजेंड टेन तक के सारे ईयर्स लिख लेंगे और फिर उसका फर्स्ट डे और लास्ट डे लिख लेंगे कोई भी नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है तो 2006 फर्स्ट डे संडे है तो लास्ट डे भी संडे ही होगा इसलिए 2007 का फर्स्ट डे मंडे नॉर्मल है इसलिए लास्ट डे भी मंडे 2008 का फर्स्ट डे ट्यूसडे अब लीप ईयर है तो नेक्स्ट डे वेंसडे हो जाएगा इसलिए 2009 का थर्सडे होगा नॉर्मल ईयर है इसलिए लास्ट डे भी थर्सडे और 2010 का फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे फ्राइडे होगा फॉर मोर प्रैक्टिस सब्सक्राइब टू माई चैनल